नमस्कार सप्नियर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं एसएस पांडे, आप देख रहे हैं सप्नियर समाचार। पेश है आज के समाचार। इलाहाबाद के रसूलाबाद घाट पर जहां पर लोगों के दाह संस्कार किया जाता है वहां की स्थिति बड़ी दयनीय बनी हुई है। जगह जगह गड्ढे हुए हैं, कूड़ों का ढेर लगा हुआ है, स्थिति बड़ी दयनीय है। सरकार का ध्यान इस रसूलाबाद घाट की तरफ नहीं पड़ रहा है। आइए ले चलते हैं आपको रसूलाबाद घाट से जुड़ी ही समाचारों को दिखाते हैं। रसूलाबाद घाट पर तमाम क्षेत्रों से लोग अपने परिवार का दाह संस्कार करने के लिए लाते हैं। रसूलाबाद घाट की संस्थापक रही महाराजिन बुआ, जिसको गुलाम महाराजिन बुआ के नाम से लोग जानते हैं। महाराजिन बुआ के पुत्र जगदीश त्रिपाठी रसूलाबाद घाट का सारा कार्य अपने निगरानी में कराते हैं। आने वाले लोगों को काफी राहत महसूस होता है, लेकिन रसूलाबाद घाट पर जहां पर लोगों का दाह संस्कार किया जाता है उसका टीन सेट भी गायब है। जगह जगह गड्ढे हो गए हैं, स्थिति बड़ी दयनीय है। एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश सरकार आगामी कुंभ की तैयारी में पूरे इलाहाबाद का सौंदर्यीकरण करा रही है, वहीं पर रसूलाबाद घाट की स्थिति बड़ी दयनीय पड़ी हुई है। सबकी नजर से बातचीत के दौरान जगदीश त्रिपाठी ने कहा कि प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ का ध्यान इस घाट की तरफ नहीं जा रहा है, नहीं तो इसका भी कायाकल्प पलट जाता। पेश है हमारे संवाददाता रामकुमार जायसवाल की एक खास रिपोर्ट की नजर। आज हम चलकर के आए हुए हैं रसूलाबाद घाट, जो कि इलाहाबाद प्रयाग की धरती पर स्थित है। रसूलाबाद घाट, यहाँ पर लोग अपनी जब कोई इंसान उनके घर में परिवार में मृत्यु को प्राप्त होता है तो उनके दाह संस्कार के लिए वो रसूलाबाद घाट ले आते हैं। हमारे हिंदू परंपरा में ये है कि लाशों को दाह संस्कार करते हैं, उनको अग्नि से जलाया जाता है। कई सारे ऐसे कर्मकांड किए जाते हैं जिसको लेकर के अलग अलग घाट बनाए गए हुए हैं, अलग अलग घाट बनाए हुए हैं। जैसे यहाँ पर छतनाग घाट है, रसूलाबाद घाट है, बनारस में मणिकर्णिका घाट है, हरिश्चंद्र घाट है, ऐसे तमाम घाट हैं। तो आज हम चल कर के आए हुए हैं, हमारे साथ हैं हमारे जगदीश जी, जो कि यहाँ के रसूलाबाद के संस्थापक रही महराजिन बुआ, महराजिन बुआ के नाम से, जिनका नाम गुलाब महराजिन बुआ करके लोग जानते थे। उनके ये पुत्र हैं जगदीश त्रिपाठी जी, जो कि उनके न रहने के बाद रसूलाबाद का सारा कार्यक्रम, सारी व्यवस्थाएं आप अपने निगरानी में देखते हैं। आने वाले लोगों को बहुत राहत महसूस होता है, क्योंकि पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, किसी के साथ कोई छल कपट नहीं, कोई दुर्व्यवहार नहीं। किसी को यह ना लगे कि हम यहाँ पर अपने दाह संस्कार के लिए आए हैं तो किसी को परेशान किया जाए, ऐसी व्यवस्था को पूरी तरीके से यहाँ ये खत्म करते हैं और पूरी ईमानदारी के साथ यहाँ पर लोगों की सेवा करते हैं। आज महराजिन बुआ नहीं है, लेकिन फिर भी उनके कृत्य को, उनकी व्यवस्थाओं को आपने बाखूबी बना के रखा हुआ है। आइए हम बात करते हैं इस रसूलाबाद घाट के लिए। जगदीश जी, हमको आप ये बताइए, रसूलाबाद घाट जहां पर इस पूरे क्षेत्र के, अगल बगल क्षेत्र के सभी लोग यहां दाह संस्कार के लिए आते हैं, क्या व्यवस्था यहाँ पर रसूलाबाद घाट में है? जैसा कि पिछले दो साल से मैं खुद भी देख रहा हूँ, यहाँ का टीन शेड हो, यहाँ पर ये जो गड्ढे हैं, मैं अपने साथी कैमरामैन से चाहूंगा जरा सा उधर तरफ दिखाएं आप, जो है ये टीन शेड, ये आप दिखाएं जरा सा ऊपर ऊपर, जहाँ जिसके नीचे ये दाह संस्कार किया जाता है उसका टीन शेड गायब है, नीचे गड्ढे हो गए हैं, व्यवस्थाओं के नाम पर पूरी तरीके से एकदम चरमराया व्यवस्था हुआ है। तो जगदीश जी, चूंकि यहाँ व्यवस्थापक के रूप में हैं, सरकार क्या इन चीजों के लिए व्यवस्था नहीं कर रही है या क्या दुर्व्यवस्था है, जरा बताएं जगदीश जी। आप हैं जगदीश जी, महराजिन बुआ जी के लड़के हैं, बताएं। शुरू से ऐसा ही चला आ रहा है, शुरू से एक लकड़ी का एक प्रारूप चला ही आ रहा है और लकड़ी में ही सारी व्यवस्थाएं होती है। अब यहाँ पर लोग लकड़ी की व्यवस्था ठेकेदारी पे करने लगे हैं, ठेका लेते हैं 4,000 रुपए का और ठेका लेकर के लकड़ियां लगा देते हैं। लकड़ियां लगाने के बाद वो जलाने वलाने का सब एडजस्ट कर लेते हैं उसी। अब ये जब हवा वगैरह तूफान वगैरह चलता है, अब घाट का किनारा तो ही है, तब गिर पड़ जाता है। फिर सरकारी व्यवस्था को हम क्या कहें, या तो हम सरकार के पास घंटों जाके खड़े रहें, जहाँ पे इनकी इनके जो अधिकारी घंटों खड़े रहे, फिर काम बनता है नहीं बनता है, हम घंटों खड़े रहें। अब सरकार ने यहाँ पे जो व्यवस्थाएं की गरीबों की, हम चाहते हैं कि एक अच्छी व्यवस्था हो जाए और ये जो टीन सेट वगैरह ये सब कम्प्लीट हो जाए। ये सब जाके हमने बात किया नगर आयुक्त के, नगर निगम के, उसमें बात किया, उन्होंने कहा कि एक सीएनजी जो है हम भेज रहे हैं,
सीएनजी भेज रहे हैं, उन्होंने भी थोड़ा थोड़ा काम शुरू करा दिया है। हम चाहते हैं कि समस्या इसका तब हल होगा जब एक जो मालिक है इस प्रदेश का, उसकी नजर हम पे पड़नी चाहिए, श्मशानों में पड़नी चाहिए, हम पे क्या सारे श्मशानों में पड़नी चाहिए उसकी नजर, कि कहाँ पे कैसी व्यवस्था है, कैसी नई व्यवस्था है, इसका देख रेख उन्हें करना चाहिए। हम उनको यही अवगत कराते हैं कि हमारे यहाँ संतुष्ट से तो काम होता है, लेकिन जो बिचारी एकदम गरीब आते हैं जिनके पास कुछ नहीं होता, उनकी व्यवस्था क्या है, बस यही पूछना चाहते हैं, बाकी क्या पूछना है। नहीं, सरकार का ध्यान इन सारी चीजों पर क्यों नहीं केंद्रित है? क्या सरकार तक आपकी बात पहुंचती नहीं है, या सरकार इन सारी चीजों पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहती है? जहां एक बड़ी व्यवस्था है, इंसान रोज जन्म लेता है, उससे ज्यादा लोग कहीं मरते हैं, तो फिर सरकार इन व्यवस्थाओं से क्यों अछूता है? असल में एक मानसिकता ये हो गई है कि मृत को कोई बहुत कम लोग ध्यान देते हैं, और जबकि मृत कठोर सत्य है, जीवन का अर्ध अंग मृत है, कठोर सत्य, एक दूसरे के प्रति एकदम वो है, लेकिन मनुष्य घबराता है, मृत सुन के घबराता है। अरे मृत जिस आदमी को लेकर हाथ पे खड़ा रहता है, वो आदमी को कहता है इसके बिना हम जिंदा न रहेंगे, और एक पल बाद कहता है कि लाश को हम छू लिए, हमको नहाने के पानी लाओ तो हम अंदर जाए। सरकार जहां ये एक संदेश डाल रही है एक समाज में कि ये हिंदूवादी विचारधारा से ओतप्रोत सरकार है, वो केंद्र पर बैठी सरकार है या राज्य में बैठी योगी आदित्यनाथ की सरकार, अभी योगी आदित्यनाथ की सरकार अभी साल भर की भी सरकार नहीं है, तो सरकार हमारा एक महात्मा बैठा हुआ है, तो क्या फिर भी ये श्मशान को लेकर के, इनकी व्यवस्थाओं को लेकर के, उस पर क्या उनका ध्यान केंद्रित नहीं है? क्या योगी सरकार तक आपकी बात नहीं पहुंची है? अभी नहीं पहुंची, अगर पहुंची होती तो शुरू कराते, थोड़ा बहुत शुरू कराए। अब यही बातें तो हैं कि सर जब नगर आयुक्त के पास पहुंची है, कहीं पहुंची है, तो वहां पे जब बात पूरी संपूर्ण नहीं हो पाती, मुख्यमंत्री जी यही कहेंगे। गंगा सफाई के लिए जो बात चल रही है, मैंने देखा है घाटों पर सफाई नहीं है, यहाँ पर लोग विसर्जित करने के बाद घाटों पर नहाने के लिए जाते हैं, घाट आपका गंदा पड़ा हुआ है, क्या साफ सफाई के लिए या स्थानीय प्रशासन या सरकार कोई व्यवस्था नहीं कर रही है? व्यवस्था क्या करें, अब बता रहे अभी घाट गंगा जी बड़ी थी, अब गंगा जी घटी हुई है। अपने यहाँ हम लकड़ी अपना जो हमारा चौतरा है, जहाँ तक हमारी सीमिति है, वहाँ तक हम गंदगी नहीं फैलने देते किसी कीमत, वहाँ तक गंदगी नहीं फैलने देते, इसलिए कि लकड़ी गंगा जी बहाने दी, न मालापुर न ये पन्निया, इन चीजों का प्रयोग करने ही नहीं दे। आपके यहाँ एक वाटर कूलर का पानी का पीने का पानी लगा हुआ है, खराब, उसमें पानी नहीं है, खराब हो गया, वो इसलिए खराब हो गया कि उसका कनेक्शन गंगा जी के पानी से दे दिया गया जी, तो बालू पहुंच गया, जब बालू अंदर पहुंच गया मशीन में, तो मशीन जाम हो गई, फिर लाख लोगों से कहा लेकिन कोई सुनने वाला है। ये दुर्व्यवस्था देखिए ये शासन की, और यहाँ पर बहुत बड़े बड़े अधिकारी, इलाहाबाद शहर जो हिंदुस्तान में अपनी एक साख रखने वाला शहर है, जिसको लोग बाखूबी जानते हैं, इसको इलाहाबाद को पूरे विश्व के लोग जानते हैं, यहाँ पर दुर्व्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ है। ये रसूलाबाद घाट जहाँ पर इंसान अपने मोक्ष की प्राप्ति के लिए यहाँ चल करके आता है, ये प्रयाग की धरती है जहाँ गंगा जमुना सरस्वती तीनों नदियों का मिलान होता है, सारी तीनों नदियां यहां मिलती हैं, देश का बड़ा कुंभ अर्ध कुंभ यहां लगता है, आने वाले समय में अर्ध कुंभ का मेला भी यहां लगेगा, सरकार उसके लिए बहुत चैतन्य और जागरूक है। फिर मैं नहीं समझ पाता हूं कि रसूलाबाद घाट पर इस तरीके से दुर्व्यवस्थाओं का अंबार क्यों लगा हुआ है, गंगा पूरी तरीके से वहां पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है, पीने के पानी के नाम पर टोटियों में पानी नहीं है, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था नहीं है, घाटों की व्यवस्था ये है कि यहाँ पर टीन शेड नहीं है, जहाँ पर डेड बॉडी रखी जाती है, लाश रखे जाते हैं, वहाँ बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, फिर भी इनकी सेवा लोगों के लिए जारी है, सरकार तक ये अपनी बात पहुँचाना चाहते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि मेरी बात इस समाचार के माध्यम से सरकार तक पहुँचे, और सरकार चल करके आए, और ये बड़ी व्यवस्था जो हिंदुस्तान में हर इंसान को जब अपने जीवन को त्यागने के बाद उनके परिवार के लोग यहाँ पर व्यवस्थाओं के लिए आते हैं, उनको अग्नि में समाहित करने के लिए घाटों पर आते हैं, तो यहाँ की व्यवस्थाएं क्यों दुर्व्यवस्थाओं के रूप में बनी हुई है? सरकार का ध्यान केंद्रित हो इसके लिए। हमने अभी आपसे बातचीत किया है, आप है जगदीश त्रिपाठी जी, धन्यवाद, नमस्कार। मैं हूँ राम कुमार जायसवाल, क्राइम रिपोर्टर, वाराणसी मंडल, सबकी नजर।